दोस्तों ने शराब के नशे में दोस्त की ईंट से कुचलकर की थी हत्या, हापुड़ पुलिस ने किया खुलासा। जनपद हापुड़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के दस्तोई रोड पर कल हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने आला कत्ल ईंट बरामद की है। दो दोस्तों ने शराब के नशे में ईंट से बिट्टू की हत्या की थी। दरअसल आपको बता दें कि कल सुबह बिट्टू नाम के युवक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद इनकी कुछ कहासुनी हुई तो भारत और अंकित ने ईंट से कुचलकर बिट्टू की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस अब दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल हापुड़ कोतवाली पुलिस को एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें जानकारी करने पर यह पाया गया कि ये डेड बॉडी बिट्टू की है, जो कि निवासी बजसरूप नगर का है। इसमें जब पुलिस ने तहकीकात करी तो हमें ये जानकारी हुई कि ये अपने दो और दोस्तों के साथ में निकला था रात के समय में, और इन लोगों ने आपस में बैठकर शराब पी, जिसमें किसी कारणवश इनकी कहासुनी हुई। उस कहासुनी में ये दोनों लड़के उग्र हो गए और इन लोगों ने पास में ही पड़ी हुई एक ईंट से उसके सर पर और कई जगह वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैडम घर से कब से गायब थे? ये शाम से गायब, 17 बजे से। 17 के शाम। आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया, ईंट से इन लोगों ने कितनी बार उस पर वार किया था जब उसकी मौत हुई? पहले इनमें से भरत जो अभियुक्त है, इनके अभियुक्तों के नाम अंकित पुत्र स्वर्गीय रमेश निवासी दस्तोई रोड और भरत कुमार पुत्र बदले सिंह निवासी दस्तोई रोड है। इनमें से इनका ये कहना है कि जब बातचीत शुरू हुई तो एक ने पहले बात किया, उसके बाद में जब दूसरे को भी, क्योंकि वो कुछ इस तरह की कहा सुनी हुई, दोनों जने उससे छिद हुए तो फिर दूसरे ने उसमें बात किया। इस बात को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी हुई बहुत, क्योंकि ये पिए हुए थे तीनों ही जने, उसमें जो है शुरुआत इनकी कुछ ऐसी चीज़ों से ही हुई, फिर करते करते कुछ अपनी कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए।